जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके मानदेय बढ़ोतरी संबंधित खबर हो या आपको स्थायिकों को लेकर दोस्तों जो भी खबरें आती हैं हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज हो चुकी है 18 फरवरी 2020। सभी राज्यों की हम 10 बड़ी खबरें देखने वाले हैं, जिसमें आपकी मुख्य मुख्य खबरें हैं कि जल्द ही आंगनवाड़ी केंद्र को है वो प्राइमरी आपका स्कूल का दर्जा मिलने वाला है। उसी के साथ है बहनों को प्राइमरी टीचर का भी दर्जा मिलेगा, इसका ऑफिशियली है घोषणा आज ही होने वाली है और उत्तर प्रदेश में है योगी सरकार इसकी घोषणा करने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने आपको पहले ही न्यूज दे दी थी कि जल्द ही बहनों को प्राइमरी टीचर का है दर्जा मिलने वाला है। उसके साथ साथ कई राज्यों में आज है वो बजट भी आने वाला है राज्य सरकार का, तो बहनों को मानदेय बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही जो बहनों की 7 और 10 सूत्री मांगे थी उनमें से कुछ मांगे हैं वो बहनों की मानी जा सकती है, जिसमें मुख्य मांगे हैं जो बहनों की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर है उन मांगों पर मोहर है वो आज लग सकती है। तो शाम तक आपका बजट आ जाएगा तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य में बहनों का है वो मानदेय कितना बढ़ाया गया है। साथ ही बहनों को क्या यात्रा भत्ता दिया जाएगा, क्या पेंशन की सुविधा दी जाएगी, साथ ही स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा बहनों को दी जाएगी, तो कौन कौन सी घोषणाएं हैं वो होने वाली है हमें इंतज़ार करना है। साथ दोस्तों इस वीडियो में सभी राज्यों की है आंगनवाड़ी संबंधी न्यूज देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है चाहे आपकी छोटी छोटी खबरों लगातार हम अब तक सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं, कौन से पद पर और हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। पहली खबर है नोनीहालू का केस होगा सर्वांगीण विकास, तो पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। तो आपका न्यूज़ आ रहा है सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हर तरह से सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र को विकसित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में तब्दील करने का काम हो रहा है। बच्चों के विकास के लिए नए अनुप्रयोग और गतिविधियाँ की जा रही है ताकि बच्चों का विकास हो सके। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं कि अगली खबर आपकी क्या है। अगली खबर है क्रेच सेंटर को आंगनवाड़ी में समायोजित करने की मांग, तो पूरा न्यूज़ देख लेते हैं कि आपका पूरा न्यूज़ क्रेच सेंटरों को आंगनवाड़ी में आपका समायोजित करने के लिए सहित अन्य मांगों को लेकर क्रेच संचालकों ने महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा को ज्ञापन सौंपा। क्रेच सेंटर संचालक कृष्णा देवी मीरा परिलता आदि ने हैं वो आपका आप ज्ञापन सौंपा। साथ ही क्रेच सेंटरों को 30 दिसंबर 2016 को आंगनवाड़ी में समायोजित करने का फैसला लिया गया था। कुछ क्रेच सेंटरों में को तो उसी समय बंद कर दिया गया था। इस समय हरियाणा में 102 क्रेच सेंटर महिला और बाल विकास विभाग को देखरेख में सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगली खबर देख लेते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आया भारतीय मजदूर संघ सौंपा ज्ञापन, तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से गरीब रेखा से नीचे बीपीएल राशन कार्ड को सत्यापन कार्य कराने से नाराज भारतीय मजदूर संघ ने फिर जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि अल्प वेतन वाले इन कार्यकर्ताओं से ये काम कराने पूरी तरह अनुचित है, इससे स्थानीय स्तर पर है विवाद बढ़ रहा है, जबकि कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित कोई गारंटी प्रशासन नहीं ले रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से राशन कार्ड सत्यापन कराना ठीक नहीं है। साथ ही संघ के प्रदेश महामंत्री केपी सिंह का कहना है कि महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कुपोषण का खात्मा और समाज में चेतना लाने संबंधी अन्य आपके कार्ययोजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही है पूरी से है आपकी। अगली खबर देख लेते हैं कि आपकी अगली खबर क्या है। अगली खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा पेंशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर है, आंगनवाड़ी कर्मियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव विचार कर रही है। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी है, जिसके बाद अब जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है। ये पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को शामिल करने की सरकार की योजना है, जिसकी तैयारी है सरकार जुट गई है। अगली खबर देख ले, बस्तर में कुपोषण से जंग के बीच आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं मिल पा रहा है दूध, 4 महीने से सप्लाई है वो आपकी ठप है।
तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर से कुपोषण को खत्म करने के लिए जंग लड़ रही है। इसके लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत के आने में हालातों की तो तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके लगता नहीं कि बस्तर से कुपोषण की जंग कभी खत्म होगी। तो यहाँ लगातार है कई न्यूज आपकी आ रही हैं। साथ ही आपके लिए अच्छी खबर है कि आज आपका उत्तर प्रदेश में बजट आने वाला है, उसमें बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बहनों को मिल सकती है। तो आज की यही खबरें थी। जो भी नई खबरें नई अपडेट आएगी शाम तक हम आपको सबसे पहले सूचित करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।